हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू और सेम फली की बहुत ही टेस्टी सब्जी, और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। बिना किसी झंझट के ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सेम और आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम के जितनी सेम की फलियाँ ली हुई हैं, और ये जो सेम है मैंने छोटे साइज़ की सेम ली हुई है जो कि एकदम सॉफ्ट है, और इसे हमने धो करके इस तरह से ऊपर और नीचे से इसका जो पार्ट है थोड़ा थोड़ा काट के निकाल दिया हुआ है, और जो रेशे थे वो भी हमने हटा दिए हुए हैं। और इसी तरह से हमने आलू को भी लंबाई में काटा हुआ है फ्रेंच फ्राइज की तरीके। आप चाहें तो आलू को चौकोर टुकड़े में भी काट सकते हैं। अब गैस में हमने एक कढ़ाई रखी हुई है, इसमें हम लगभग 3 बड़े चम्मच के जितना सरसों का तेल डालेंगे। तेल गरम हो जाएगा, 1 चम्मच पंचफोरन मसाला डालेंगे और 1 चुटकी हींग डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को हमने ऐसे मोटा मोटा काट के डाला हुआ है, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही हरी मिर्च और ये मसाले हल्के से भुन जाएंगे हम इसमें डाल देंगे अपनी सेम और आलू। तो दोनों चीज़ों को डाल करके एक साथ हमें अच्छे से भूनना है। ये देखिए, फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि हमारी जो सेम और आलू है वो अच्छे से पके और जले भी नहीं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हमें इस सब्जी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में हमें आलू सेम को अच्छे से फ्राई करना है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अभी हम इसमें बाकी के कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। ये देखिए, ऐसे मिक्स करते हुए हल्का सा भून लीजिए, और इसके बाद हम इसे ढक करके पकाएंगे लगभग 6 से 7 मिनट तक। ये देखिए, इस तरह से ढक्कन लगा दीजिए, बीच बीच में इसे आप ऐसे चलाते रहिए, ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि जो आलू और सेम है वो चारों तरफ से अच्छे से भुन सके। ये देखिए, लगभग 4-5 मिनट पकाने के बाद बीच में मैंने थोड़ी सी जगह बना ली हुई है, और 1 चम्मच हमने डाल दिया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। हल्का सा भून लेंगे, इसके बाद हम इसे आलू और सेम के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमें आलू और सेम को सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो ये देखिए, ऐसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे, क्योंकि हमारी जो आलू और सेम है पहले ही लगभग 60-70% कुक हो चुकी है। बस इसमें हल्का सा ऊपर थोड़ा सा भुना भुना सा दिखने लगना चाहिए। अब हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और आधा चम्मच गरम मसाला डाला हुआ है। गरम मसाला बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में डालना है। आप चाहें तो ना भी डालें तो भी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। मसाले डालने के बाद आँच को एकदम धीमा रखेंगे, और इस तरह से मिक्स करते हुए हमें सब्ज़ी को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। सब्ज़ी जितनी अच्छे से भुनेगी टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब सब्जी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तो यहाँ पर हमने 1 टमाटर को ऐसे लंबाई में काट के डाला हुआ है। बट ध्यान रखिए, टमाटर के मैंने बीज हटा दिए थे। अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हमें यहाँ पर टमाटर को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने तक नहीं गलाना है, बस हल्के से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। ये देखिए, बस टमाटर डालने के बाद 2 मिनट तक ही हम सब्जी को पकाएंगे ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और आप देख पा रहे होंगे हमारी जो सब्जी है कितने अच्छे से भुन के तैयार हो गई है। तो बहुत ही आसान है इस सब्जी को बनाना। तो देखिए, आपको इसमें प्याज डालने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट आप इस सब्जी को बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस सब्जी को आप गर्मा गर्म पराठों के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। या चाहे तो आप इसे दाल के साथ साइड डिश के रूप में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी आलू और सेम फली की सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।